नमस्कार, आपके साथ मैं हूं अर्पिता रॉय। और अब बात उस खबर की जो धीरे धीरे पूरे देश में दहशत की बड़ी वजह बनती जा रही है। बात बर्ड फ्लू के बढ़ते खतरे की। कौवों और बतखों में बर्ड फ्लू की पुष्टि होने के बाद अब इस वायरस का खतरा खाने की प्लेट तक पहुंचने का डर बढ़ गया है। बर्ड फ्लू का खतरा किचन तक पहुंचने का डर सताने लगा है, क्योंकि मध्य प्रदेश के नीमच और इंदौर में चिकन में बर्ड फ्लू वायरस मिलने की पुष्टि हो चुकी है। हालांकि इन दोनों ही शहरों में बर्ड फ्लू का फैलाव काफी कम है, लेकिन देश के कई राज्यों में बर्ड फ्लू की दहशत का दायरा बढ़ता ही जा रहा है। मध्य प्रदेश, राजस्थान, हिमाचल, केरल और गुजरात के कई शहरों में कौवों और दूसरे पक्षियों की संदिग्ध हालत में मौत की खबर है। कर्नाटक में भी कुछ कौवों की मौत के बाद वहां प्रशासन सख्ते में है। राजस्थान में भी हालात लगातार बिगड़ते जा रहे हैं। राज्य के अलग अलग इलाकों में परिंदों की मौत के बाद प्रशासन ने अलर्ट जारी किया। बर्ड फ्लू की दहशत बढ़ते ही इसका सीधा असर जो है वो चिकन और अंडा कारोबार पर पड़ा है। डर के मारे लोग चिकन और अंडों से दूरी बनाने में लगे हैं, जिसकी मार कारोबारियों पर पड़ रही है। तो जिस तरीके से बर्ड फ्लू लगातार बढ़ता जा रहा है, वो दिख रहा है हमें कि किस तरीके से अब एहतियाती कदम भी राज्य सरकारों की तरफ से उठाए जा रहे हैं। कई राज्य सरकारों ने पहले ही ये निर्णय लिया कि ऐसे में जो व्यापार है अलग अलग राज्यों से मुर्गे या मुर्गियों का, उनको बंद कर दिया जाए। उसके अलावा जो कदम उठाए गए, सारे जो गाइडलाइंस हैं, अगर कोई मुर्गा या मुर्गी बीमार होता है तो किस तरीके से क्या गाइडलाइंस फॉलो करने चाहिए, वो भी सारे पोल्ट्री फॉर्म्स को बता दिया है। कुछ खास सहयोगी इस वक्त साथ हैं हमारे। आनंद तिवारी दिल्ली से इस वक्त साथ हैं, भवानी सिंह जयपुर से हमारे साथ हैं, चंद्रमोहन पटना से हमारे साथ हैं और मनोज शर्मा भोपाल से हमारे साथ हैं। जल्दी से पहले चंद्रमोहन का रुख, पटना में वो मौजूद हैं। चंद्रमोहन, वहां से क्या खबरें आ रही हैं, क्या वहां पर भी मुर्गे मुर्गियों में ऐसी बर्ड फ्लू की जानकारी मिल रही है? बिल्कुल, देखिए, मुजफ्फरपुर के सरैया इलाके में एक गांव में 70 मुर्गियां मरी हुई मिली हैं, और उसके बाद वहां के जो पदाधिकारी हैं सैंपल लेकर भेजे हुए हैं जांच के लिए, और जांच रिपोर्ट जब आएगी उसके बाद साफ हो पाएगा कि ये बर्ड फ्लू है या कोई और कारण था। हमारे साथ मौजूद हैं बिहार सरकार में पशुपालन मंत्री, हम इनसे सीधे जानने की कोशिश करते हैं। ये बताइए, मुजफ्फरपुर में जो मुर्गियाँ मरी हुई मिली हैं उसको लेकर आपको क्या जानकारी मिली है और क्या कदम उठाए जा रहे हैं? नहीं, जानकारी मैंने तीन रोज से, मैं एक्चुअली पूरा प्रदेश में जानकारी प्राप्त कर रहा हूँ, और बर्ड फ्लू का ऐसा बिहार में कोई एक सा लक्षण अभी तक देखने के लिए नहीं मिला है। और वहाँ पे जहाँ पे जानकारी मिला है 70 मुर्गी वहाँ पे मरे पाए गए हैं, तो वहाँ पे सैंपल लेके जांच के लिए भेजा गया है, लेकिन रेगुलर है। 10,000 का अगर मुर्गी पोल्ट्री फार्म है तो वहाँ पे 70-50 का डेथ होना ये नॉर्मल सी बात है। तो भी हम लोग चौकन्ना है, प्रशासन पूरा, हमारे विभाग के सारे पदाधिकारी एक्टिव है और सब जगह जांच की जा रही है। सिर्फ बर्ड फ्लू आने से सिर्फ हमारे मुर्गी का ही डैमेज नहीं होगा, जितने भी बिहार में पक्षी हैं वहाँ पर भी डैमेज हो सकता है। तो उसको लेके भी अभी तक कहीं से भी एक भी खबर नहीं आया, तो इसके ऊपर हम लोग गंभीरता से ले रहे हैं और पूरा जांच लगाए हैं। अदर प्रदेश में, बिहार के अलावा कुछ प्रदेश में ऐसी जानकारी हमें प्राप्त हो रहा है कि वहाँ पे कुछ एरिया में इस तरीके से फ्लू है, लेकिन बिहार में ऐसे अभी तक देखने के लिए नहीं मिला। जो जानकारी मिली है कि अदर प्रदेशों में भी बर्ड फ्लू फैल रहा है, मध्य प्रदेश के इंदौर में भी पाया गया है, उसको लेकर क्या एहतियाती कदम उठाया गया है आपकी तरफ से? नहीं, यहाँ पे तो पूरे अलर्ट पे रखा गया, पूरे डिस्ट्रिक्ट में जितने भी हमारे पदाधिकारी हैं सबको अलर्ट रखा गया कि कहीं पे भी इस तरीके का अगर मामला आए तो जल्द से जल्द उसको इन्फॉर्म किया जाए, और उसको कहीं पे भी देखिए 50-60-100 मुर्गी मरना कोई बड़ी बात नहीं है और यह रेगुलर है। उसके बावजूद भी अगर इस तरीके का अगर केस कहीं पर आ रहा है तो उसको हम लोग सैंपल जाँच करा रहे हैं ताकि हमें कंफर्म हो जाए कि हमें क्या हो रहा है। और ये चीज जो जैसे आज देखने के लिए मिलेगा, चंद्रमोहन आप रही जरा सा, देखिए बर्ड फ्लू की दहशत देश की राजधानी दिल्ली को भी डराने लगी है। दिल्ली के मयूर विहार फेज 3 के एक पार्क का वीडियो वायरल होने के बाद दिल्ली में भी बर्ड फ्लू की चिंता बढ़ने लगी है। इस वीडियो में कुछ मरे हुए कौवे और कुछ बीमार पड़े कौवे दिखाई दिए, जिसके बाद न्यूज 18 की टीम इस पार्क में पहुंची। हैरान करने की बात ये कि इस पार्क में काम करने वाले लोगों ने दावा किया कि अब तक इस पार्क में करीब 100 से ज्यादा कौवों की मौत हो चुकी है। इन लोगों ने दावा किया कि वीडियो वायरल होने के बाद डॉक्टरों की टीम इस पार्क में पहुंची थी और इन कौवों के सैंपल लिए गए हैं। ये वो पूरा पार्क है जहां पर हमने आपको तस्वीरें दिखाई कि किस तरह से जो कौवे हैं उनकी यहां पर मौत हो रही है। हालांकि अभी ये कहना जल्दबाजी होगा कि इनकी मौत की वजह क्या है, लेकिन जिस तरह से बर्ड फ्लू की दस्तक है देश में, उसके बाद राजधानी दिल्ली में अगर कौओं की संदिग्ध हालत में मौत हो रही है, और देखिए एक कौआ आप देख सकते हैं ये भी बिल्कुल मरणावस्था हालत में आ गया है, बिल्कुल इसके स्थिति देख के लग रहा है कि इसकी हालत काफ़ी
ज़्यादा नाजुक है क्योंकि ये लोग रखरखाव करते हैं यहाँ पर। और यहाँ पर एक और हमारे साथ शख्स हैं, आप भी यहाँ पर रखरखाव करते हैं पार्क का? हाँ जी हाँ, चौधरी। ये कौवे की हालत भी देख के लग रहा है कि बिल्कुल ये अब मरने वाला है, 3-4 घंटा में इसी तरह से मर जाएगा ये जी, 3-4 घंटा में ये मर जाएगा ऐसे ही। ऊपर से आया कहीं चक्कर सा खावे और गिर जाते हैं वो। तो देखिए बिल्कुल ये वो पूरा पार्क है, काफी बड़ा पार्क है मयूर विहार फेज 3 का। और यहाँ पर जिस तरह से संदिग्ध हालत में अगर कौओं की मौत हो रही है तो इस पर प्रशासन क्या अपना आगे एक्शन लेगा, किस तरह से इनकी तफ्तीश होगी इस पूरे मामले की। और यहाँ पर ये देखिए एक और कौआ यहाँ पर पड़ा हुआ है, ये भी मरी हालत में यहाँ पर है। और बिल्कुल यहाँ पर जिस तरह से लगातार कौओं की मौत हो रही है ये बिल्कुल चिंता का विषय, क्योंकि राजधानी दिल्ली में बर्ड फ्लू की दस्तक अब तक नहीं थी, लेकिन जिस तरह से कौओं की रहस्यमय तरीके से मौत हो रही है ये अपने आप में बड़ा सवाल है। देखना होगा कि इस पर जो डॉक्टरों की टीम यहाँ पर पहुँचेगी वो इन कौओं को अपने साथ परीक्षण के लिए जब ले जाएगी तो किस तरह की जांच आगे होती है और क्या कुछ निकलकर सामने आता है। कितने कौए आपने यहाँ से हटाए? मरे 150-200 कौए के अंदर मैंने एक हफ्ते के अंदर दबा दिए हमने। और आजकल में मैंने आज कम से कम 20-25 कौए दबाए सुबह आके। उसके बाद में शाम को कल मैंने जाते जाते कम से कम 5 बजे कम से कम दबाए 40 कौए दबाए। आनंद इस वक्त हमारे साथ मौजूद है जिनकी ये रिपोर्ट हम देख रहे थे जिसमें वो दिखा रहे थे किस तरीके की स्थिति अब दिल्ली में बनती जा रही है। 100 से ज्यादा कौवे एक पार्क की स्थिति उन्होंने दिखाई कि वहां पर मरे हुए से पाए गए। आनंद, दिल्ली सरकार की तरफ से अब कदम क्या उठाए जा रहे हैं और क्या इनको टेस्ट के लिए लैब भेज दिया गया है कि ये किन वजहों से इनकी मौत हो रही है? आनंद हेलो आनंद, आवाज अगर आप तक पहुंच रही हो तो मैं सवाल दोहराऊं। आनंद पिता ठीक है, आनंद मैं ये जानना चाह रही हूं कि दिल्ली सरकार की तरफ से कदम क्या उठाए जा रहे हैं, दूसरा क्या इनको लैब में भेज दिया गया है जो मरे हैं कौए कि उनमें क्या बर्ड फ्लू के सिम्टम्स थे? देखिए अर्पिता, सीधी तस्वीरें हम आपको दिखाते हैं। यहाँ पर पुलिस का स्टाफ भी पहुंचा हुआ है, जो SHO गाजीपुर है वो यहाँ पर पहुंचे हुए हैं, RW के लोग यहाँ पर हैं और अभी यहाँ पर जो दिल्ली सरकार के डॉक्टरों की टीम है वो यहाँ पर पहुंची थी और यहाँ से जो मृत कौए हैं उन्हें यहाँ से लेकर जाया गया है। और बताया जा रहा है कि जो पालम में जो वहां पर जाके इनका परीक्षण होगा जो मृत कौए हैं कि आखिर इनकी मौत की असल वजह क्या है। लेकिन देखिए जिस तरह से हम यहाँ पर दिखा रहे हैं, यहाँ पर कई कौए अभी जो थे वो मृत हालत में थे और हमने भी वो तस्वीरें देखी और यहाँ से डॉक्टरों की टीम ने उन्हें यहाँ से अपने साथ लेकर गई है। RW के कुछ लोग उनसे हम बात करते हैं। यहाँ पर अभी पुलिस भी आई है, मौका मुआयना कर रही है, डॉक्टरों की टीम भी आई थी, आप RW से जुड़े हुए हैं। हालांकि अभी तक ये कहना मुश्किल है कि इनकी मौत की वजह क्या है, लेकिन ये अभी कब से हुआ था कौए यहाँ पे मर रहे हैं? ये 3 दिन से लगातार ये चल रहा है, कल ही सभी लोगों को क्षेत्र में जानकारी प्राप्त हुई है इसकी। ये जो माली है इन्होंने ही बताया है कि रोजाना हम 100-150 कौए दबा रहे हैं 3 दिन से, लेकिन इन्होंने प्रशासन को भी सूचना दी है, 3 दिन पहले वीडियो भी बनाकर अधिकारियों को भेजी है, लेकिन आज 3 दिन के बाद में यहाँ पर ये दिल्ली सरकार के ये कर्मचारी आज आए हैं इनको ले जाने के लिए परीक्षण करने के लिए, जबकि ये कार्य शुरू होते ही हो जाना चाहिए। जी देखिए अर्पिता, मैं आपको और तस्वीरें यहाँ पर दिखाता हूँ, यहाँ पर उन माली से भी हम बात करने की कोशिश करते हैं। ये देखिए ये वो पूरा पार्क है जहाँ पर की लगातार जो कौवे हैं उनकी रहस्यमय तरीके से मौत हुई है। और यहाँ पर ये देखिए ये जो माली है, हम इनसे आपकी बात कराते हैं। इन्होंने ये देखिए पूरा पार्क और यहाँ पर हमने तस्वीरें 7-8 कौवे हमने यहाँ पर मरी हालत में देखे हैं जो बिल्कुल मृत अवस्था में यहाँ पर पड़े हुए थे और उसके बाद दिल्ली सरकार की टीमें यहाँ पर पहुंची डॉक्टरों की और उन्हें यहाँ से रिकवर करके वो अपने साथ यहाँ पर परीक्षण के लिए ले गए हैं। पालम में जो वहां पर दिल्ली सरकार का ऑफिस है वहां पर इन मृत कौवे जो है उनका परीक्षण किया जाएगा कि आखिर इनकी मौत की वजह क्या है, क्योंकि शुरुआती तौर पर डॉक्टरों का कहना है कि ठंड भी एक वजह हो सकती है और बर्ड फ्लू भी एक वजह हो सकती है, लेकिन अभी ये कहना स्पष्ट जल्दबाजी होगी कि आखिर दिल्ली में ये जो कौओं की मौत हुई है आखिर क्या है। देखिए हमारे साथ ये बिल्कुल आनंद, ये तस्वीरें हम देख रहे हैं किस तरीके से अभी भी वहां पर स्थिति कुछ ऐसी ही है कि कौए नजर आ रहे हैं। आप रही जरा साथ, एक बार फिर से आपका रुख करूंगी। बर्ड फ्लू का असर जो है वो दिल्ली की गाजीपुर मंडी पर भी नजर आया है। मंडी में दिल्ली सरकार की ओर से तैनात डॉक्टर के मुताबिक बर्ड फ्लू की वजह से मुर्गे और अंडों के कारोबार में 50% तक असर पड़ा है।
हालांकि उन्होंने फिलहाल मंडी में आने वाले मुर्गे मुर्गियों में बर्ड फ्लू के लक्षण मिलने से इनकार किया है। कोविड-19 के बाद अब बर्ड फ्लू का कहर एक तरह से देश के कई इलाकों में है। दिल्ली सरकार की तरफ से भी लगातार निगरानी रखी जा रही है मंडियों पर और डॉक्टरों की तैनाती की गई। हमारे साथ डॉक्टर सुधीर सिंह चौहान हैं जो कि दिल्ली सरकार की तरफ से हैं। आप मुर्गा मंडी में आए हुए हैं, क्या आप लोगों के पास रहता है काम? हमारा काम यहाँ पर यह है कि लाइव बर्ड्स जो भी आती हैं बाहर से उनको इंस्पेक्ट करना होता है कि उनमें किसी तरह का कोई इन्फेक्शन तो नहीं है। और वैसे हमने एक प्रोविज़न रखा हुआ है जो हमारा रेगुलर में रहता है कि हम हेल्थ सर्टिफिकेट कलेक्ट करते हैं जहाँ से ये बर्ड्स आती हैं पोल्ट्री फार्म से। वहाँ का जो वेटनरी डॉक्टर होता है, रजिस्टर्ड वेटनरी डॉक्टर, उनके थ्रू एक सर्टिफिकेट आता है कि दीज ऑल बर्ड्स आर फ्री फ्रॉम एनी काइंड ऑफ इन्फेक्शन। तो हमारा जो 90-95% डाउट है वो वहीं फिनिश हो जाता है। फिर भी हम एक एश्योरेंस के लिए सारे जो भी ट्रक्स और व्हीकल्स आते हैं शॉप में जाके उनका नेक आई एग्जामिनेशन करते हैं, देखते हैं किसी में कोई सिम्टम तो नहीं है। बाकी हम एक रेगुलर ब्लड सैंपलिंग भी करते रहते हैं जिससे कोई इन्फेक्शन ना मिले। इस बीच प्रियंका भी हमारे साथ हमारे सहयोगी जुड़ चुकी हैं। प्रियंका, आप जहां पर हैं वहां पर हालात क्या है, कैसे ही कौवे और जो और पक्षी हैं उनकी मौत हो रही है? जी बिल्कुल, मैं गाजीपुर मुर्गा मंडी में हूँ जो दिल्ली की सबसे बड़ी मंडी है। और जैसे ही बर्ड फ्लू की बात होती है तो सबसे पहला असर भी यहीं देखने को मिलता है। एसोसिएशन से भी तमाम लोग यहाँ पर हमारे साथ हैं। सर, आज मयूर विहार में 2-3 दिन से तकरीबन 150 के लगभग बोल रहे हैं कि कौवे मरे हुए मिले। अब ये लोगों के जहन तक जब तक पहुँच रहा है तो इसका असर मंडियों में भी देखने को मिल रहा है क्या? देखिए, जहाँ से हम लोगों के माल आते हैं हरियाणा से, उस जगह पर कोई किसी भी एक भी फार्म में बर्ड फ्लू की शिकायत नहीं हुई है, न किसी का कोई मुर्गा मरा है। अब उसके बाद में हमारे यहाँ जब माल आता है तो रात को चेक इन होती है, बाकायदा डॉक्टर होता है यहाँ पर। हाँ। उसके बाद में माल अंदर आता है। हाँ। सुबह के टाइम में माल जो कटा हुआ होता है उसका बाकायदा ब्लड टेस्ट होने के लिए जाता है रोज़ाना। हमारे इस तरह का सिस्टम होता है हमारे यहाँ मंडी के अंदर भी और मंडी से बाहर भी। कोई बर्ड फ्लू का हमारे यहाँ केस नहीं है, ना कोई यहाँ कौवा चील इतनी आप देख रहे हो। हाँ। ना कोई यहाँ मरी हुई मिली। हाँ। तो पूरी एहतियात मंडी की तरफ, पूरी एहतियात है मंडी की तरफ से, पूरी एहतियात है, रोज रहती है। हाँ। ये आज ही नहीं। हाँ। इस तरह की अफवाह जो फैल रही है। हाँ। ये लोग गलत अफवाह फैला रहे हैं, मुर्गे कारोबार पे गलत असर पड़ता है इस तरह से अफवाह फैलने से। यहाँ कोई बर्ड फ्लू नहीं है। ठीक है, जाहिर तौर पर व्यापार पर असर पड़ता ही है सर। अभी तो कुछ दिन हो गए हैं देश भर में बर्ड फ्लू की बातें होती, तो व्यापार में असर पड़ रहा है, मांग पर असर पड़ रहा है? ज़्यादा फर्क नहीं है, 5-10% का फर्क है। हाँ। पहले 90 रुपये के आसपास रेट था, 75-80-85 के आसपास रेट है, इतना फर्क नहीं है। हाँ। और मांग में? मांग भी ठीक है। मांग में ज़्यादा फर्क हो तो रेट डाउन हो जाएगा। हाँ। वो चीज़ नहीं है। ठीक है, तो अभी सर 10-15% का ही फर्क जैसे कि यहाँ बता रहे हैं मंडी में। और ये बता रहे हैं कि मंडी पूरी तरीके से अपनी तरफ से भी तैयारी करके रखती है कि किसी भी तरीके के कोई केसेस, जैसे अगर कोई बीमार मुर्गी है तो उसके लिए उसको अलग रखा जाता है, डॉक्टर बाकायदा यहाँ पर होते हैं। तो एसोसिएशन का कहना है कि पूरी तरीके से तैयारी मुर्गा मंडी में है। और यहाँ पर आप लोगों की भीड़ से भी अंदाज़ा लगा सकते हैं कि लगातार लोगों का आना भी यहाँ पर बना हुआ है। जी ठीक है, प्रियंका आप रहिए साथ। और देखिए, इसी मुद्दे पर संजीव बालियान से बात की हमारे सहयोगी अमित पांडे ने। मध्य प्रदेश में बर्ड फ्लू के मामलों की पुष्टि हुई है और किस तरीके से केंद्र सरकार इस पूरे प्रकरण को, इस पूरे क्राइसिस को देख रही है, हमारे साथ केंद्रीय मंत्री संजीव बालियान जी हैं। सर, अब राज्यों में मामलों की पुष्टि भी होना शुरू हो गई है? हाँ, करीब 4 राज्यों से पुष्टि हुई है, लेकिन लोकलाइज है, पूरे प्रदेश में कहीं नहीं फैला। कुछ एपिक सेंटर बने हैं और कहीं स्प्रेड की ज़्यादा संभावना अभी दिखाई नहीं देती। प्रदेश और केंद्र सरकार मिलकर कोशिश कर रहे हैं कि रेस्ट्रिक्ट रहे, जहाँ पे हैं वहीं बाहर फैलने ना पाए। और अभी तक लोकलाइज है, कोई ज़्यादा फैलने की इसकी कोई खबर अभी तक नहीं मिली है। सर, नॉनवेज खाने के प्रति लोगों के मन में आशंकाएं उत्पन्न हो रही हैं, बतौर केंद्रीय मंत्री होने के नाते आपका क्या रिकमेंडेशन रहेगा या क्या आपका कहना चाहेंगे? कहीं कोई दिक्कत नहीं है। आज तक इस देश में 2006 से बर्ड फ्लू आया, कोई भी केस बर्ड से ह्यूमन के अंदर ट्रांसफ़र नहीं हुआ है, ट्रांसमिशन नहीं हुआ है इसका। और सब कोई भी जो चिकन खाता है या एग खाता है उबाल के खाते हैं। इस देश में रॉ मीट और रॉ एग वैसे भी नहीं खाया जाता, और उबालने या पकाने के बाद इसकी कोई संभावना इसके स्प्रेड की नहीं है। किसानों की जो वार्ता हो रही है, अब अगले दौर की इस वार्ता है तो कितना आशान्वित होना चाहिए, क्योंकि अब राहुल गांधी ने भी ट्वीट किया है कि किसानों के मुद्दे को समझना चाहिए, संवेदनशील होना चाहिए।
तो जिस तरीके से सरकार का ये दावा है कि पूरी तैयारी यहाँ पर की जा रही है, केंद्र सरकार तैयार है और राज्यों को भी निर्देश दिए गए हैं कि जो काम करना चाहिए वो सारे काम इस वक्त राज्य सरकार भी करे ताकि ये जो फ्लू है वो ज्यादा बढ़ ना पाए। वहीं मध्य प्रदेश के इंदौर और नीमच में मुर्गियों में बर्ड फ्लू की पुष्टि के बाद प्रशासन ने इलाके की सभी मुर्गियों और अंडों की दुकानों को एक हफ्ते के लिए बंद करने का फैसला लिया है। साथ ही लोगों से भी चिकन और अंडों से दूरी बनाने की अपील की है। जम्मू कश्मीर सरकार ने भी बर्ड फ्लू के खतरे को देखते हुए 14 जनवरी तक दूसरे राज्यों से मुर्गे और मुर्गियों के आयात पर प्रतिबंध लगा दिया है। और इसी बीच बड़ी खबर, किसान आंदोलन पर इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, किसान स्टैंड बदल सकते हैं। देखिए लगातार किसान बॉर्डर पर डटे हुए हैं, कानून एक साल टालने की बात कही जा रही है। हमारे सहयोगी अनुराग रांडा की एक खबर जो छनकर सामने आ रही है वो ये कि किसान पेशकश कर सकते हैं कि इसे टाला जाए। बड़ी खबर इस वक्त की किसान आंदोलन पर, क्योंकि आज महत्वपूर्ण बैठक भी होनी है सरकार और किसान के बीच। किसान इसमें स्टैंड अपना बदल सकते हैं, जो खबरें सामने आ रही हैं, कानून एक साल टालने की बात कही जा रही है। तो किसान आंदोलन से जुड़ी इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, आज सरकार के साथ होने वाली बैठक में किसान अपना स्टैंड बदल सकते हैं। सूत्र ये बता रहे हैं कि किसानों की तरफ से पेशकश की जाएगी कि सरकार एक साल के लिए कृषि सुधार कानूनों को सस्पेंड कर दे ताकि किसान अपना आंदोलन वापस ले सके। इस बीच साल भर के दौरान दोनों पक्ष बातचीत से मामले को सुलझा सकते हैं। अनुराग जुड़ चुके हैं हमारे साथ और अपडेट के साथ। अनुराग, शायद उन तक आवाज नहीं पहुंच रही, एक बार फिर से उनसे कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे। लेकिन बड़ी खबर इस वक्त की है कि सरकार अब जिस तरीके से लगातार कह रही थी कि बातचीत के माध्यम से आप समस्या का समाधान निकालिए, सरकार की तरफ से यह भी कहा गया कि कानून को रद्द करने को लेकर सिर्फ अगर कोई समाधान बीच का निकल सकता है तो संशोधन है, अगर आप चाहें तो संशोधन हो सकता है। इस बीच किसान अपना स्टैंड बदल सकते हैं, ये बड़ी खबर आ रही है। किसान चाह रहे हैं कि एक साल के लिए सस्पेंड अभी इसको कर दिया जाए। किसान अब भी एमएसपी को गारंटी देने की मांग पर अड़े हुए हैं, लेकिन इसमें कोई विवाद इतना गहरा नहीं है। सरकार इस बात के लिए तैयार दिखी, पिछले जो बैठक हुई इसमें सरकार की तरफ से कहना है कि अगर लिखित तौर पर वो एमएसपी की गारंटी चाह रहे हैं तो सरकार उसे देने के लिए तैयार है। तो अगर किसान आज अपना स्टैंड बदलते हैं तो बहुत मुमकिन है कि आज की ये बैठक जो है वो आखिरी बैठक हो सकती है, क्योंकि किसान आंदोलन लगातार चल रहा है और उसको देखते हुए लगातार बातचीत का दौर भी जारी है। किसान ठंड में जमे हुए हैं, सरकार बार बार बातचीत की पेशकश कर रही थी, एक साल सुधार रोकने की बात फिलहाल किसान की तरफ से किए जा सकते हैं। अनुराग हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अनुराग, क्या जानकारी मिल रही है, क्या किसान अपना रुख आज बदल सकते हैं? देखिए, एक चेंज उसमें आ सकता है, क्योंकि लगातार ये बात हो रही थी कि कैसे जो ये डेडलॉक बन गया इसको खत्म किया जाए। तो जो सूत्रों से हमें जानकारी मिली है कि किसान नेताओं की जो 40 जो ऑर्गेनाइजेशन है उनकी जो मीटिंग होती है उसमें ये चर्चा हुई है कि आज ये प्रपोजल किसानों की तरफ से दिया जा सकता है कि अगर पूरी तरह से वापस लेने को सरकार तैयार नहीं है कानूनों को, तो एक साल के लिए सरकार उसको सस्पेंड करने का ऐलान कर दे और इस दौरान किसानों के साथ बातचीत कर कोई रास्ता निकाला जाए या नए सिरे से संशोधन के साथ कानूनों को लाया जाए और इस दौरान आंदोलन को किसान वापस ले लेंगे और जो फिलहाल जो डेडलॉक बना हुआ है वो स्थिति से बाहर आया जा सकता है। तो ये प्रपोजल आज के फार्मर ऑर्गेनाइजेशंस की तरफ से दिया जाएगा, लेकिन इसके साथ ही एक अड़चन ये है कि किसान अभी भी एमएसपी गारंटी कानून पर अड़े हुए हैं कि वो साथ में सरकार को देना होगा। तो आज क्या सहमति उस पर बन पाती है, सरकार क्या जो इस तरीके का प्रपोजल जाएगा उस पर क्या रुख रहता है सरकार का, काफी हद तक निर्भर करेगा इस बात पर कि क्या कोई बीच का रास्ता निकल सकता है। स्पष्ट कीजिए कि एक साल के लिए सस्पेंड करने की बात यहाँ पर हो सकती है किसान संगठन के नेताओं के द्वारा, तो क्या एक साल के बाद जब ये कानून वापस से लागू होंगे तो वो उसके लिए तैयार हैं, जो भी क्लॉज हैं, जो भी उसमें चीजें हैं, या उसमें भी वो चाह रहे हैं कि बातचीत से संशोधन किया जाए? देखिए, नहीं, प्रपोजल ये दिया जा रहा है कि एक साल के लिए अगर ऐलान कर दे सरकार इनको सस्पेंड करने का तो फिलहाल जो डेडलॉक की स्थिति, जो सड़कों पर किसान बैठे हैं वो उठ जाएंगे, लेकिन इस एक साल के दौरान किसान संगठनों से बातचीत कर सरकार बीच का रास्ता निकाले, जो संशोधन करने उनके बारे में तय करे और नए सिरे से फिर कानूनों को ले आए।
तो ये एक प्रपोजल किसानों की तरफ से दिया जाएगा। ये देखना होगा कि क्या सरकार इस पर अग्री करती है कि नहीं, क्योंकि मुझे नहीं लगता है अभी तक सरकार ये कहती रही है कि कानूनों को वापस लेने, तो सस्पेंड करना वापस लेने जैसा ही होगा एक साल के लिए, तो क्या सरकार इस पर अग्री करेगी कि नहीं ये बेहद महत्वपूर्ण होगा। लेकिन ये एक नया बीच का रास्ता जरूर प्रपोज किया जाएगा और एमएसपी गारंटी कानून बहुत महत्वपूर्ण हो गया है। अगर इस प्रपोजल पर सरकार अग्री करती है तो एमएसपी गारंटी कानून महत्वपूर्ण हो जाएगा, क्योंकि बात फिर वहां पर जाकर अटक जाएगी एमएसपी गारंटी कानून पर। अनुराग, इससे पहले जो बातचीत हो रही थी उस बातचीत में तो ज्यादातर ये सरकार की तरफ से कहा जा रहा था कि एमएसपी के लिए वो तैयार है, उसकी गारंटी के लिए लिखित अगर देना पड़े वो भी तैयार है। सरकार अभी तक जो कह रही है वो, सरकार ने कहा है कि वो लिखित में देने को तैयार है कि एमएसपी का जो सिस्टम है वो लागू रहेगा। इसी तरीके से किसान ये मांग पर अड़े हुए हैं कि एमएसपी की गारंटी को लेकर कानून सरकार लेकर सरकार जो है वो लिखित तौर पर देने के लिए तैयार है। आप रहिए जरा साथ, इस पूरे मुद्दे पर कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर का क्या कहना है वो सुन लेते हैं। आज फिर किसानों से एक दौर बातचीत होगी और मुझे पूरी आशा है कि किसान यूनियन के लोग चर्चा करेंगे और सकारात्मक माहौल में चर्चा होगी, संभवतः हम लोग समाधान तक पहुंच पाए। स्वाभाविक रूप से जब चर्चा होती है तो सभी को आगे बढ़ने का प्रयास करना पड़ता है, तभी समाधान तक पहुंचते हैं, और मुझे आशा है कि सभी लोग सकारात्मक माहौल में चर्चा करेंगे और रास्ता ढूंढेंगे। अनुराग, देखिए दो चीजों पर यहाँ बातचीत हो रही है। जो जानकारी मिल रही है कि सरकार भी ये ऑप्शन किसानों को दे सकती है कि ये राज्य सरकार तय करें कि ये लागू करना है या नहीं करना है। वहीं जो बड़ी खबर आप दे रहे हैं कि यहाँ किसान अपना स्टैंड बदल सकते हैं कि भाई आप एक साल के लिए इसको सस्पेंड कर दीजिए और बातचीत का रास्ता खुला रहेगा, लेकिन किसान सड़कों से उठ जाएंगे। आज इन सब के बीच कितनी संभावना दिख रही है कि कोई रास्ता निकल आएगा और आज क्या आंदोलन खत्म हो जाएगा? देखिए, फाइनल सोल्यूशन आज निकल जाएगा इसकी संभावना बहुत कम है, क्योंकि दोनों पक्षों से, सूत्रों से जो हमारी बातचीत हुई है, कुछ ना कुछ हद तक दोनों पक्ष अपनी बात पर अड़े हुए हैं। लेकिन आज फाइनल सोल्यूशन ना भी निकले, अगर इस प्रपोजल पर कोई सहमति बनती है जो किसान आज देने वाले हैं, तो एक कदम आगे जरूर बढ़ जाएंगे। सिर्फ एमएसपी गारंटी कानून को लेकर के फिर दोनों पक्ष को अग्री करने की बात रह जाएगी। तो यानी आज एक उम्मीद जरूर है इस मीटिंग से कि एक कदम आगे बढ़ सकते हैं। जो फिलहाल पिछली तीन मीटिंग से अगर हम देखें तो डेडलॉक बना हुआ है, किसान अपनी बात कहते हैं, सरकार अपनी बात कहती है, वो डेडलॉक टूट सकता है आज की बातचीत में। लेकिन आज कोई फाइनल सोल्यूशन निकल जाएगा इसकी उम्मीद फिलहाल बेहद कम है। लेकिन अनुराग, एक बड़ा सवाल तो ये भी है कि जिस एक साल की बात कर रहे हैं किसान कि एक साल के लिए आप इसको सस्पेंड कर दीजिए और उसके बाद फिर से लागू होगा, तो वो इसके लिए भी तो तैयार नहीं है कि ये ऐसा जैसा कानून बना है वैसे ही मान्य होगा एक साल के बाद? वो तो उसमें भी संशोधन की बात कर रहे हैं, और अगर बीच की सहमति नहीं बनती तो ये आंदोलन फिर से हो सकता है, ये संभावना भी बनी रह सकती है। देखिए, बिल्कुल वो संभावना बनी रहेगी, लेकिन आप इसमें ये देखिए कि सरकार की तरफ से भी बार बार संशोधनों के लिए अग्रीमेंट जताया गया है। उन्होंने कहा है कि हम संशोधन करने को तैयार हैं, तो कम से कम एक साल का एक लंबा वक्त होता है, और एक साल बातचीत के दौरान सड़क पर कम से कम किसान ना बैठे रहे और डेडलॉक की स्थिति ना रहे, उसको सुलझाने के लिए ये प्रस्ताव दिया जा रहा है फार्मर ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से। तो वो बहुत हद तक एक ऐसा पक्ष जरूर होगा जब फॉर्मल तौर पर जब सारे किसान ऑर्गेनाइजेशन और सरकार एक साल तक लगातार बातचीत करेंगे, तो बीच का एक रास्ता जरूर निकाला जा सकेगा। और वो संशोधन अभी जो 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 ट्रस्ट डेफिसिट है दोनों पक्षों में, वो कम से कम खत्म हो सकेगा अगर ऐसा कोई बीच का रास्ता निकलता है। तो बहुत हद तक मुमकिन है ये एक अच्छा प्रपोजल फार्मर ऑर्गेनाइजेशन अपनी तरफ से मान रहे हैं कि हम अपनी तरफ से एक कदम पीछे हटते हुए ऐसा प्रपोजल दे रहे हैं। तो अगर सरकार इसको पॉजिटिवली लेकर के इस पर अग्री करती है, तो एक बीच का रास्ता आज कम से कम जरूर निकलने की गुंजाइश बन सकती है। क्या वो बीच का रास्ता आज बन पाएगा? क्योंकि किसान यहाँ पर अपना स्टैंड बदलते नजर आ रहे हैं, वो कह रहे हैं कि एक साल के लिए जो कानून है उसको सस्पेंड कर दिया जाए और एक साल जो मिलेगा उसमें बातचीत का रास्ता खुला रहे और समाधान निकाला जाए कि किस तरीके से। लेकिन इससे होगा क्या? इससे किसान जो बॉर्डर पर जमे हुए हैं ठंड में, वो वहां से उठ जाएंगे, साथ ही साथ जो लोगों को दिक्कतें हो रही हैं, रास्ता बंद रहता है, वो खुल जाएगा। इन सब के बीच केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने किसानों और सरकार के बीच होने वाली बातचीत से समाधान निकलने की उम्मीद जताई है। किसान भी इस बात को अच्छी तरह महसूस कर रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व वाली जो सरकार है वो किसानों के हितों के प्रति समर्पित है, पूरी तरह से संवेदनशील है और साफ सुथरी नीयत के साथ काम कर रही है। केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री कैलाश चौधरी ने भरोसा जताया कि किसानों की गलतफहमी दूर होगी और वो कृषि सुधारों के फायदे समझकर बात करेंगे। किसान की नज़र से जिस तरह से आकर जो किसान यूनियन के नेता वो वार्ता करेंगे, तो इसका समाधान अवश्य निकलेगा। क्योंकि अगर जिस तरह से पहली वार्ता हुई थी, जिस समय उस समय जो विषय थे उनके ऊपर चर्चा होगी और क्लोज बाई क्लोज बात होगी, तो समाधान निकलेगा। क्योंकि पहले जब वार्ता हुई थी उस समय किसानों का यूनियन के नेता थे, उनका यही विषय था कि
हम इसके अंदर सुधार चाहते हैं और निश्चित रूप से भारत सरकार है वो कृषि कानून के सुधार करने के लिए खड़ी है और अगर उनको कहीं डाउट है तो उसका समाधान अवश्य करेगी। भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत को उम्मीद है कि आज की बातचीत मामले के समाधान की तरफ बढ़ाने वाली होगी। अब के तो उम्मीद लग रही सरकार से कि कुछ न कुछ वो निकाल लेगी, प्रपोजल लेकर आएगी। जब 350 बार टिकैत साहब जेल जा सके हैं तो हम 350 बार बातचीत नहीं कर सकते, बात करें। अरे निकाल लेगी जब निकाल लेगी सरकार। तो आज देखना होगा, महत्वपूर्ण ये बैठक होनी है किसान और सरकार के बीच और इसमें दरअसल अब तय होगा कि आगे की रणनीति क्या रहती है। लेकिन किसान यहाँ अपना स्टैंड बदल सकते हैं, जो बड़ी खबर आ रही है वो ये कह सकते हैं कि आप एक साल के लिए इस कानून को सस्पेंड कर दीजिए। इससे बीच का रास्ता ये होगा कि किसान फिलहाल अलग अलग बॉर्डर पर जो जमे हुए हैं वहां से हट जाएंगे और एक साल का वक्त मिल जाएगा सरकार और किसान दोनों को ताकि बातचीत से समाधान निकाला जा सके। और इसी बीच एक बड़ी खबर आ रही है मुंबई से, अब से कुछ देर में कंगना रनौत राजद्रोह के एक मामले में उनको बांद्रा पुलिस स्टेशन पहुंचना है। कंगना पेशी के लिए अपने घर से निकल चुकी हैं, राजद्रोह के केस में उनकी पेशी होनी है। मुंबई पुलिस ने पिछले साल कंगना रनौत और उनकी बहन रंगोली पर राजद्रोह का मामला बांद्रा पुलिस स्टेशन में दर्ज किया था। इस मामले में मुंबई पुलिस ने कंगना और उनकी बहन रंगोली को पूछताछ के लिए 3 बार समन भी भेजा, पर घर में शादी होने की वजह से तीनों समन पर कंगना ने मुंबई पुलिस से समय मांगा, जिसके बाद पूरा मामला बॉम्बे हाईकोर्ट पहुंचा। हमारे सहयोगी पारस इस वक्त जुड़ चुके हैं मुंबई से। पारस, क्या जानकारी मिल रही है, कितनी देर में पेश होंगी कंगना? जी अर्पिता, कंगना जो है वो बांद्रा पुलिस स्टेशन पहुंच गई है। ये जो मामला है वो शुरू हुआ था पिछले साल जब कंगना ने जो है एक सोशल मीडिया साइट पे मुंबई को जो है वो पाकिस्तान से कंपेयर किया था और उसके बाद एक याचिका फाइल की गई थी उनके खिलाफ, जहाँ पे वो दो समाजों को भड़काने और उनके खिलाफ नफरत पैदा करने का उनपे ये जो याचिका है वो फाइल की गई थी। उसके बाद ये मामला जो है बढ़ते बढ़ते आगे बढ़ा और बांद्रा पुलिस ने उनको 3 बार समन किया था, मगर समन करने के बाद भी वो वहां नहीं पहुंच पाई थी क्योंकि उनके घर पे शादी थी उनकी भाई की, इस वजह से। फिर ये मामला हाईकोर्ट पहुंचा, बॉम्बे हाईकोर्ट, और बॉम्बे हाईकोर्ट ने कंगना और उनकी बहन को 8 जनवरी मतलब की आज बुलाया गया था। कंगना जो है वो पहुंच गई है, उनके वकील है और उनकी बहन रंगोली साथ में है और वो बांद्रा और उनके साथ उनकी बहन रंगोली भी मौजूद है, उनके वकील भी उनके साथ है और इस पूरे मामले पर आज उनकी पेशी होनी थी और इसलिए हालांकि 3 बार उन्हें समन भेजा गया वो नहीं आई थी। उन्होंने कहा उनके भाई की उनके घर पर शादी है इसलिए वो नहीं पहुंचेंगी, जिसके बाद ये पूरा मामला बॉम्बे हाईकोर्ट पहुंचा। अब उन्हें पेशी के लिए बुलाया गया था बांद्रा पुलिस स्टेशन, फिलहाल वो पहुंच चुकी हैं। बड़ी खबर, पारस हमारे साथ लगातार बने हुए हैं मुंबई से। पारस, जिस तरीके से कंगना रनौत ने आज अपनी पेशी से पहले एक वीडियो भी अपलोड किया और ये कहा कि उन्हें किस तरीके से देश के बारे में जब वो बोलना चाह रही हैं तो उनको देशद्रोही कह दिया जा रहा है। कंगना को जिस तरह का उनका स्वभाव है, जिस तरह से हम उनको जानते हैं, वो बहुत वोकल रहती हैं सारी चीजों के बारे में, अपना पक्ष रखना वो बहुत अच्छे से जानती हैं। तो जैसे ही वो पेशी के लिए बांद्रा पुलिस स्टेशन जा रही थी उससे कुछ मिनटों पहले उन्होंने एक वीडियो जो है वो ट्विटर पे भेजा, जहाँ पे ट्विटर पे अपलोड किया, जहाँ पे वो कहने की कोशिश कर रही थी कि जो सरकार है उन पर बार बार निशाना साध रही है और उनको परेशान करने की कोशिश कर रही है। मैं अपने देश की बात रख रही हूँ, देश के हित में मैं बोलने की कोशिश कर रही थी और मुझे जो है सरकार परेशान करने की कोशिश कर रही है और जो केस उनके खिलाफ बनाया गया है वो केस जो है वो कुछ भी नहीं है, बस एक परेशान करने की साजिश जो है वो सरकार द्वारा की जा रही है। ये ट्विटर में जो वीडियो उन्होंने अपलोड किया है उसमें कंगना ने सीधे तौर पर सरकार पर निशाना साधा है। लेकिन पारस, उनकी बहन रंगोली से क्यों उनको भी क्या बुलाया गया है पूछताछ के लिए आज? जी, रंगोली को भी बुलाया गया था, भाई दोनों कंगना रनौत और उनकी बहन रंगोली को, दोनों को 8 तारीख जो है बॉम्बे हाईकोर्ट ने जो समन दिया था उसमें यही था कि रंगोली और कंगना दोनों को जो है वो बांद्रा पुलिस स्टेशन आना है। वहाँ पे एक तरफ जो है कंगना ने अपने ट्विटर में ये कहा गया है, ट्विटर वीडियो में, कि उनको हाजिरी लगाने के लिए बुलाया गया है, मगर हम बॉम्बे हाईकोर्ट के समन की बात करें तो उनको स्टेटमेंट देने के लिए बुलाया गया है। तो ये रंगोली किस केस में आज उनको पूछताछ के लिए बुलाया गया पारस? जी, रंगोली और कंगना को दोनों को एक ही केस में बुलाया गया है क्योंकि रंगोली ने भी एक ऐसा बयान दिया था जहाँ पे कंगना भी उस वीडियो में थी और रंगोली भी थी, उसी एक ही केस को लेकर कंगना और रंगोली को दोनों को बुलाया गया है। जो
दो समाजों के बीच नफरत पैदा करने वाली जो केस है उसी के चलते उन दोनों को बांदा पुलिस स्टेशन बुलाया गया है। ठीक है, तो बड़ी खबर पारस हम तक पहुंचा रहे हैं। जिस तरीके से कंगना से देखिए पूछताछ के लिए उनको बुलाया गया है बांद्रा पुलिस स्टेशन, इस वक्त वो पहुंच चुकी है, उनके साथ उनकी बहन रंगोली भी मौजूद है। दोनों को ही एक केस में ही बुलाया गया है जिसमें दो समाजों के बीच नफरत फैलाने की बात सामने आ रही है। कंगना रनौत ने हालांकि जाने से पहले एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर अपलोड किया और उन्होंने कहा कि किस तरीके से उन्हें फंसाया जा रहा है। मानसिक रूप से उनको पहले प्रताड़ित किया गया, अब शारीरिक रूप से उनको प्रताड़ित करने की कोशिश सरकार के द्वारा की जा रही है। सीधे तौर पर महाराष्ट्र सरकार पर निशाना कंगना ने था और ये निशाना आज से नहीं, ये सिलसिला काफी दिन से चल रहा है। खुलकर कंगना अब मुद्दे पर बोलती नजर आती हैं, कई बार वो सीधे सीधे सवाल खड़े कर चुकी हैं। उन्होंने कहा देश के बारे में बोलने पर देशद्रोही उन्हें क्यों कह दिया जाता है, ये राजद्रोह केस उनके पर क्यों लगाए गए, तमाम सवाल कंगना ने अपने वीडियो में के माध्यम से पूछा। और आपको बता दें इससे पहले 3 बार उनको समन भी भेजा गया लेकिन कंगना पहुंची नहीं क्योंकि उन्होंने कहा उनके घर में शादी है इसलिए वो नहीं आ पाएंगी, जिसके बाद ये पूरा मामला बॉम्बे हाईकोर्ट पहुंचा और अब उन्हें पेशी के लिए पहुंचना था बांद्रा पुलिस स्टेशन जहां वो पहुंच गई हैं। राजद्रोह के मामले में पूछताछ के लिए मुंबई पुलिस के सामने पेशी से पहले कंगना रनौत ने वीडियो ट्वीट किया और इस वीडियो में उन्होंने आरोप लगाया कि पहले तो उनको मानसिक और भावात्मक रूप से प्रताड़ित किया गया और अब उनके शारीरिक तौर पर उनको प्रताड़ित किया जा रहा है। कंगना ने कहा कि उन्हें राष्ट्रवाद के हित में आवाज उठाने की सजा दी जा रही है। जिस तरह से मुझ पर अत्याचार किए जा रहे हैं, मेरा शोषण किया जा रहा है, वो सारा देश देख रहा है। गैर कानूनी तरीके से मेरा घर तोड़ दिया गया। किसानों के हित में बात करने के लिए हर दिन मुझ पर ना जाने कितने केसेस डाले जा रहे हैं, यहाँ तक कि मुझ पर हंसने के लिए भी एक केस हुआ है। मेरी बहन जिन्होंने कोरोना काल के शुरुआत में रंगोली जी ने डॉक्टरों पर हुए अत्याचार के खिलाफ आवाज़ उठाई थी, उन पर भी केस हुआ। उस केस में मेरा नाम भी डाल दिया गया जबकि उस वक्त मैं ट्विटर पे थी भी नहीं, ऐसा होता नहीं है, लेकिन ऐसा किया गया। जो हमारे ऑनरेबल चीफ जस्टिस जी हैं उन्होंने उस चीज़ को रिजेक्ट भी किया और उन्होंने कहा कि ये केस का कोई तुक नहीं है। उसके साथ में ऑर्डर आया कि मुझे चौकी पे जाके पुलिस स्टेशन पे जाके जो है वो हाजिरी लगानी पड़ेगी। अब मुझे कोई बता नहीं रहा है कि किस तरह की ये हाजिरी है और मुझे ये भी कहा गया है कि मैं अपने साथ हो रहे इन अत्याचारों का किसी के साथ में ना बात कर सकती हूँ, ना बोल सकती हूँ, ना बता सकती हूँ। तो मैं ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट से भी पूछना चाहती हूँ कि ये क्या मिडिवल एज है जहाँ पर औरतों को जिंदा जलाया जाता है, वो किसी से कुछ बोल भी नहीं सकती, बात भी नहीं कर सकती। इस तरह के अत्याचार सारी दुनिया के सामने हो रहे हैं। मैं लोगों से यही कहना चाह रही हूँ जो आज ये तमाशा देख रहे हैं, उनसे यही कहना चाह रही हूँ कि जिस तरह के खून के आंसू 1000 साल की गुलामी में सहे हैं वो फिर से सहने पड़ेंगे अगर राष्ट्रवादी आवाज़ों को चुप करा दिया गया। तो पेशी से पहले देखिए कंगना ने ये वीडियो जो है वो सोशल मीडिया पर अपलोड किया जिसमें उन्होंने अपने मन की बात कही। हमारे साथ पारस हमारे सहयोगी बने हुए हैं। पारस, ये पूछताछ जो होनी थी जिसके लिए वो बांद्रा पुलिस स्टेशन पहुंची, पूछताछ शुरू हो गई है? जी, अभी जस्ट कुछ समय पहले जो है अर्पिता कंगना नगर गई है और थोड़ी ही देर में उनके साथ जो भी पूछताछ है वो शुरू कर दी जाएगी और उनसे सारे सवालों के जवाब मांगे जाएंगे। जिस तरह के बयान जो है कंगना दे रही थी उन सारे सवालों के जवाब जो है मुंबई पुलिस बांद्रा पुलिस जल्द ही पूछना शुरू करेंगे और जो उनसे जो स्टेटमेंट लेने की कोशिश करना की पूरी कोशिश जो है वो रहेगी बांद्रा पुलिस की। पारस, जरा विस्तार से बताइए पूरा मामला क्या था जिसमें उनकी पेशी हुई है और रंगोली का भी क्या यही मामला था जिसमें उन्होंने भी कोई टिप्पणी की जिस पर उन पर राजद्रोह लगा? जी, पूरा मामला जो है अर्पिता शुरू हुआ पिछले साल जब कंगना ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट से जो है मुंबई को जो है वो पाकिस्तान से कंपेयर कर दिया। उसके बाद जो है मामला आगे बढ़ता गया, एक याचिका फाइल की गई जहाँ पे कंगना पे ये इल्जाम लगाया गया कि दो समुदायों के बीच जो है नफरत फैलाने की कोशिश हो रही है, कंगना ये कोशिश कर रही है और उनकी बहन भी जो है कभी कभार ऐसे स्टेटमेंट देती थी जिसमें इस सारी चीज़ों का जो है इन्वॉल्वमेंट रहता था। इसी ये पूरा मामला जो है यही है जो दो समाजों के बीच में जो है ये पूरी तरीके से हेट फैलाने का जो मामला है उसी के चलते जो है बांद्रा पुलिस में दोनों को स्टेटमेंट रिकॉर्ड करने के लिए आज बुलाया गया है। किसी समय पहले कंगना ने एक ट्वीट भी किया वीडियो जहाँ पे वो कह रही थी कि उनको परेशान किया जा रहा है, उनको जानबूझ के जो है इन सारी चीज़ों में फंसाया जा रहा है, बल्कि केस जो है वो बिल्कुल कुछ भी नहीं है, बस उनको परेशान करने की कोशिश की जा रही है क्योंकि वो देश के हित में बात कर रही है और देश के हित में बात करने की
सेक्टर में उनको इतना परेशान किया जा रहा है, उनको प्रताड़ित किया जा रहा है। पहले मानसिक रूप से प्रताड़ित किया गया, अब उनको भगाया जा रहा है, उनको पुलिस स्टेशन बुलाया जा रहा है, सारी चीजें कही जा रही हैं। और साफ तौर पे पूरी तरीके से कंगना ने सरकार पे निशाना साधा है। ठीक है पारस, आप रहिए साथ। देखिए पूछताछ पर कंगना ने पलटवार भी किया, वीडियो भी जारी किया, लेकिन फिलहाल जो बड़ी खबर यह है कि कंगना अपनी बहन के साथ, अपने वकील के साथ फिलहाल बांद्रा पुलिस स्टेशन पहुंच चुकी हैं। वहां आपसे थोड़ी देर में उनकी उनसे पूछताछ भी शुरू होगी। राजद्रोह से जुड़ा यह पूरा मामला जिस पर उनकी पेशी हो रही है, दरअसल उन्होंने एक बयान सोशल मीडिया पर डाला जिसमें उन्होंने पीओके का जिक्र किया था और उसी को लेकर अब याचिका डाली गई। ये दो तस्वीरें जरा देख लीजिए, कंगना की आज पेशी थी, इसके लिए वो बांद्रा पुलिस स्टेशन पहुंच चुकी है। राजद्रोह केस में दरअसल उनसे पूछताछ हो रही है और कुछ ऐसे ही आरोप उनकी बहन रंगोली पर भी लगे और इसीलिए उनके खिलाफ भी ये याचिका डाली गई, जिसके बाद अब उनकी पेशी हो रही है। दोनों बहनें फिलहाल पहुंच चुकी हैं बांद्रा पुलिस स्टेशन और अब से थोड़ी देर में उनसे पूछताछ भी शुरू हो जाएगी। लेकिन इन सब के बीच कंगना जो अपने अंदाज के लिए जानी जाती है, उन्होंने बाकायदा एक वीडियो जारी करके कहा कि उनके हंसने तक पर भी अब केस दर्ज हो रहे हैं। तो ऐसे में उन्होंने कहा कि वो देश के बारे में, वो किसानों के बारे में बात करती हैं और उन्हें देशद्रोही राजद्रोही बताया जाता है। पारस हमारे साथ लगातार मौजूद हैं। पारस, ये जिस तरीके से कंगना कह रही थी कि वहां सिर्फ हाजिरी लगाने के लिए पहुंचना है और फिर ये बात भी सामने आ रही कि पूछताछ होनी है, आज होना क्या है दरअसल? जी, बांद्रा पुलिस स्टेशन कुछ समय पहले पहुंची है। जिस तरीके से बॉम्बे हाईकोर्ट ने समन भेजा था और बांद्रा पुलिस ने भी बहुत बार तीन बार समन भेज के यही कहा गया था कि इस पूरे मामले में जो है वो रंगोली और कंगना से बांद्रा पुलिस पूछताछ करना चाहती है और यहाँ पे बांद्रा पुलिस उनसे पूछताछ करेगी पूरे मामले को लेकर। किस तरह के बयान जो है वो रंगोली और कंगना द्वारा दिए गए थे, ये सारी चीजों को लेकर बांद्रा पुलिस आज उन दोनों से पूछताछ करेगी। जहाँ एक तरफ कंगना ने ये कहा है उनको हाजिरी लगाने के लिए बुलाया गया है, क्योंकि कंगना ने खुद ये कहा है कि उनको पता नहीं कि किस तरीके की हाजिरी है। मगर अगर हम बांद्रा पुलिस और बॉम्बे हाईकोर्ट के समन्स पे जाएं तो पूरा पूरा ये दिखता है कि इनको जो है स्टेटमेंट रिकॉर्ड करने के लिए आज बांद्रा पुलिस स्टेशन बुलाया गया है, जहाँ पे उनसे पूछताछ की जाएगी। उन्होंने जो भी स्टेटमेंट दिए हैं, जो भी बयान दिए हैं, ठीक है, आप नजर बनाए रखिए। कोरोना